आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के जनपद बलिया बैरिया से है। तहसीलदार एसोसिएशन बैरिया इकाई की अधिवक्ता संघ का शनिवार को चुनाव अधिकारी देवेंद्र मिश्र की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अक्षयवर नाथ पांडे को अध्यक्ष व अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद को महामंत्री पद पर निर्वाचित किया है, जबकि उमेश सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजनारायण राय को कनिष्ठ उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। वहीं कोषा अध्यक्ष पद के लिए विनय कुमार सिंह व पुस्तकालय मंत्री के रूप में राजकुमार तिवारी को निर्विरोध चुना गया है। कार्यकारी सदस्य के रूप में अधिवक्ता ईश्वरजीत राय व संजीत कुमार मौर्य व जाकिर हुसैन को निर्विरोध चुना गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अक्षयवर नाथ पांडे ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं को एक साथ लेकर चलना ही मेरा उद्देश्य होगा। चुनाव के दौरान पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता चंद्रशेखर यादव सहित तहसील के लगभग अधिवक्ता मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से सुनील यादव की रिपोर्ट। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं हमारे उमेश कुमार सिंह एडवोकेट। अच्छी बात। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राजनारायण राम। कोषाध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं विनय कुमार सिंह। पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राजकुमार तिवारी जी। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में ईश्वरजीत राम, संजीत कुमार मौर्य, जाकिर हुसैन, तीन लोग निर्वाचित हुए हैं। और शेष चार पद जो हैं कार्यकारिणी सदस्य का और पदाधिकारियों में इस पद के लिए संयुक्त मंत्री और लेखा परीक्षक का जो पद रिक्त है उसको हमारी नई कार्यकारिणी अपने विवेक से मनोनीत करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।